अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कैट के उपाध्यक्ष कीर्ति राणा ने खोला चीन के खिलाफ मोर्चा, व्यापारियों से अपील, चीनी वस्तुओं का करें बहिष्कार। ट्रेडर्स और व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कीर्ति राणा ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कीर्ति राणा ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन पर गर्व जताया और कहा कि चीन ने भारत के निहत्थे सैनिकों पर जिस तरह कायराना हमला किया है उसके लिए चीन को सबक सिखाना जरूरी है। एपीएमसी के पूर्व डायरेक्टर ने देशभर के व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे ना तो चीन का सामान खरीदें और न ही उसका व्यापार करें। कीर्ति राणा ने केंद्र और राज्य सरकारों से भी चीनी कंपनियों को ठेका नहीं देने और चीन को सबक सिखाने का आह्वान किया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतवासियों और सभी व्यापारी भामाशाहों, परिवारजनों, आपको हमारी व्यापारी संगठन, राष्ट्रीय संगठन, सारे व्यापारी देशभर के संगठन की ओर से चाइना के माल का बहिष्कार, चाइना के माल का इंपोर्ट का बहिष्कार करना है और कोई भी हिसाब से हमें चाइना को सबक सिखाना है। हमारे देश के वीर जवानों की शहीदी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम और उस शहीदी निर्थक नहीं जाने देनी है और हमें किसी हिसाब से भी चाइना का माल का बहिष्कार करना है। घर घर में बच्चे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी ने ये चाइना का माल का बहिष्कार करना है। दोस्तों, आज भारत माता के संतान और हमारे शहीद भाइयों और उनके परिवारों की हम पूरी पूरी वंदन करते हैं और हम उनको खातिरी देते हैं कि हमारे व्यापारी परिवार इस चाइना को सबक सिखा के रहेंगे। हर माल इंपोर्ट बंद करना है। आप समझ लीजिए कि जिस देश की आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक नाक उसका दबो दिया तो वो अपना घुटना आपो आप टिका देगा। दोस्तों, इस भारत माता पे अंग्रेज आ गए, पोर्टुगीज आ गए, गोवानीज आ गए, मोगल आ गए, बहुत सारे आतंकवादी भी आ गए, मगर इस भारत माता का आज भी झंडा बरकरार है। दुनिया में झंडा हरा भरा रहेगा और हमारे देश के वीर जवानों के ऊपर हमें फख्र है, गौरव है। मित्रों, व्यापारी परिवार सभी को आह्वान है हमारी राष्ट्रीय संगठन केट की ओर से, सभी व्यापारी संगठन की ओर से, कि आपको चाइना का माल का बहिष्कार करना है। चाइना की हर कोई कंपनी का अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारी कोई सरकार करती है तो सरकार हमारे इस शहीदों को सम्मान के रूप में उसके कॉन्ट्रैक्ट रद्द करे, सरकार सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करे। आज हमारे यहाँ हमारी बुद्धि कौशल्य पूरे विश्व में है और पूरे विश्व की बुद्धि कौशल्य को अपील करता हूँ कि भारत माता के हित में, भारत की जनता के हित में आप जहाँ भी हो वहाँ से इस चाइना को सबक सिखाइए, चाइनीज माल का बहिष्कार कीजिए। इस प्रकार की इनकी गंदी हरकत हो, इस प्रकार की इनकी रात की अंधेरे में हमारे निहत्था सैनिक पर हमला करना, ये बहुत बड़ा जुलम है। उनको सबक सिखा के रहना है। किसी भी प्रकार से भी आप सभी भी संकल्प लीजिए, सौगंध लीजिए कि हमें किसी भी प्रकार से चाइना की वस्तुओं का वपराश बंद करना है, आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की इम्पोर्ट नहीं करनी है। तो ये हमारी केट की ओर से, हम सभी की ओर से आप सभी को एक पूरा, इस देश बिकने नहीं देंगे, इस देश की मिट्टी की सौगंध हम चाइना का माल का बहिष्कार करते। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।